अचलपुर के गांधी पुल पर तापी भारती का मठ पुराना होने की बात यहां के लोग कहते हैं। प्राचीन काल में राजा दशरथ जी के पिता राजा अज यहां पर पधारे थे। यहां आज भी ज्योतिर्लिंग मौजूद है। रामायण महाभारत का इतिहास तापी भारती मठ से जुड़ा होने का इतिहास बताया जाता है। प्रभु श्री राम के आने का प्रमाण भी आसपास के लोग देते हैं। हम अमरावती जिले के अचलपुर तहसील गांधी पुल से श्री कृष्ण पुल पर जाने वाले रास्ते पर जा रहे हैं, जहां पूरे देश में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठान महोत्सव पूरे धूमधाम से अयोध्या नगरी में हो रहा है। वहीं सापन नदी के तट पर प्राचीन तापी भारती मठ है। करीब इस तापी भारती मठ पर अरण्यकाल के दौरान प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और जानकी जी यहाँ पर आए थे। प्राचीन काल की यह किष्किंधा नगरी मानी जाती है, जो राजा सुग्रीव की नगरी हुआ करती थी। आपको बता दें कि श्री कृष्ण पुल पर जाने वाला यह मार्ग आप देख रहे हैं, किस प्रकार यहाँ पर विकास कार्य विधायक बच्चू कोड़ू द्वारा किए गए हैं। और इस तापी भारती मठ पर प्रभु श्री राम लला के स्थान पर हम सिटी न्यूज़ के दर्शकों को यहाँ पर ले जा रहे हैं। एक बार अचलपुर जरूर आइए और अचलपुर आकर तापी भारती मठ के दर्शन कीजिए, जहाँ प्रभु श्री राम ने बैठकर अपने पिता दशरथ जी का पहला वर्ष श्राद्ध किया था। यह स्थान श्री कृष्ण पुल कहलाता है और हम यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं, अभी हाल ही में विधायक बच्चू कोड़ द्वारा 350 करोड़ के विकास कार्य यहाँ पर किए गए हैं, जबकि यहाँ पर महाराष्ट्र के श्री चक्रधर स्वामी का मंदिर है। प्रथम उनके चरण के स्थान इस मंदिर पर है। इसी के बाजू अभी कुछ ही देर पहले विधायक बच्चू कोड़ द्वारा 23 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी यहाँ किया गया है। तापे भारती का यह स्थान, जिसका सौंदर्य करने के लिए भी यहाँ पर निधि डाली गई है। देखिए, आप देख रहे हैं कैसा स्थान, कितना प्राचीन स्थान ये है। प्रभु श्री राम का और हनुमान जी का प्रथम मिलन यह तापी भारती मठ पर हुआ, ऐसा यहाँ के बुजुर्ग लोग कहते हैं। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, प्राचीन मूर्तियाँ हैं, इन्हें आप देख सकते हैं कितनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर भोलेनाथ की विशाल पिंडी है, जो प्राचीन पिंडी जहाँ लोग प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। यह प्राचीन पिंडी जिसके दर्शन लोग करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यह वो मठ है जहाँ पर रामलला आए थे। हम उसके दर्शन करने के लिए आपको ले जा रहे हैं। ये स्थान पर प्रभु श्री राम खुद आए थे और इस मठों का निर्माण कर यहाँ पर पूजन किया जाता था। ये प्राचीन चरण यहीं के, और देख रहे हैं आपकी सरपन नदी, जो जिसका वेदों पुराणों में नाम है, और ये नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है। कृष्ण पुल गांधी पुल के बीच में तापी भारती मठ आता है, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी अरण्यकाल के दौरान आए थे और अरण्यकाल के दौरान माता जानकी लक्ष्मण जी के साथ अपने पिता का पहला वर्ष श्राद्ध किया था। यह तापी भारती मठ का विकास सौंदर्यकरण होने जा रहा है, जहाँ पर अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम लला 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान के रूप में विराजमान हो रहे हैं। जो मंदिर यहाँ बनने जा रहा है, उसका प्रमाण अचलपुर की किष्किंधा नगरी से होता है, जहाँ पर बाली और सुग्रीव की नगरी कही जाती थी। यहाँ पर तापी भारती मठ के दर्शन एक बार करने से निश्चित रूप से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भक्तों को मिलेगा। हम यहाँ पर खुद दर्शकों को लाए हैं। मैं कैमरामैन मोनी के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़ अचलपुर।